क्या अडानी पावर दोबारा 400 जाएगा, या क्या 200 जाएगा, या क्या 200 से भी नीचे जा सकता है? क्या होगा अडानी का भविष्य? और जो ये उछाल आया है, क्या ये रियल है या फिर कोई फिक्टिशियस है या फिर कोई पंपिंग हुई है? आइए सब बातों को समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांश मित्तल, और ये चैनल मार्केट अल्फा आपके लिए लेकर आएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का एनालिसिस, जहाँ पर हम कोरिलेट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को उसके चार्ट के साथ में। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें जानते हैं अडानी जी के बारे में, और फिर डिसीजन लेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। देखिए, अडानी जी ने अपनी जो शुरुआत की थी वो अहमदाबाद से की थी, अहमदाबाद से आगे बढ़े बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में उन्होंने बीकॉम की, बीकॉम ड्रॉप आउट करके डायमंड मर्चेंट का काम करने लगे। 1988 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम अडानी एक्सपोर्ट्स रखा, आज वो अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये हो गई अडानी जी के बारे में बेसिक सी बातें। आगे अगर मैं बात करूं अडानी पावर के बारे में, तो अडानी पावर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1996 में। 1996 में इसे एज ए ट्रेडिंग कंपनी लाया गया था जो कि ट्रेडिंग करती थी। 2009 में फर्दर इन्होंने प्रोडक्शन चालू किया इलेक्ट्रिसिटी का। 2009 2010 इस तरह से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ाई, और आज 2013 में आ गए जहाँ पर इनकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 13,650 मेगावाट से, जिसमें इनके 5 बड़े प्लांट्स हैं जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। साथ ही साथ इनका एक पावर प्लांट है जो कि फुली सोलर प्लांट है, वो गुजरात में लोकेटेड है। एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो 2 एक्सपेंशन हैं जो कि ये प्लान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में और गोटा झारखंड में। गोटा झारखंड वाला प्लान जो था वो मार्च में शुरू होना था, हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ रीजंस की वजह से उसकी कमीशनिंग, उससे जो प्रोडक्शन शुरू हुआ है वो मई में हुआ है, यानी कि रिसेंटली हुआ है। आगे अगर थोड़ी और बातें करें तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है अदानी पावर प्रोडक्शन के मामले में। साथ ही साथ में बात करूँ तो इन्होंने जनरेशन 2009 में शुरू कर दिया था जो कि बहुत एक अर्ली टाइम था इनके हिसाब से। 98% जो इनका रेवेन्यू आता है वो पावर जनरेशन से आता है, यानी कि 2% रेवेन्यू है जो इनकी अदर इनकम है। आगे अगर मैं बात करूं, या अडानी ट्रांसमिशन को यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए, आगे भेजने के लिए, जो कि खुद में एक अच्छी बात है क्योंकि सप्लाई चेन में इनके पास आगे खुद की एक सप्लाई है। अगर आगे बात करूं इलेक्ट्रिसिटी इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में उसका 5% ये लोग बनाते हैं। साथ ही साथ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट प्लेयर्स बनाते हैं उसका 15% ये लोग बनाते हैं। अगर आगे बात करूं स्पॉट एनालिसिस, देखिए शॉर्ट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम ये समझते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है जो कि कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूँ तो देखिए एक एग्रीमेंट है, 78% इनकी जो सेल्स है वो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से बाउंडेड है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके तहत इनका जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 78% सीधा सेल आउट हो जाएगा। जितनी भी मेहनत इन्हें करनी है वो करनी है रिमेनिंग 22% के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, प्राइवेट प्लेयर है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहीं ना कहीं हर बार मिलता रहेगा। पीएलएफ, प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर को आप इस तरह से जान सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी, उसकी क्षमता कितनी, यानी कि अगर उसकी क्षमता 100 है तो कितने पे ऑपरेट कर रहा है। अभी देखा जाए तो जो अडानी पावर है वो 52% की प्लांट लोड फैक्टर पे चल रहा है, यानी कि अभी भी 48% जो है उनका अनयूटिलाइज्ड है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसकी इंडस्ट्री का भी 52% ही पीएलएफ है। अभी बात करूँ वीकनेसेस की तो देखिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कोल पर है, कोल अभी लिमिटेड है, आपको पता है रिसोर्स है लिमिटेड है, कोल का लिमिटेड होना कहीं ना कहीं इनके लिए एक दिक्कत है हमेशा, जो हमेशा बनी रहेगी, उससे इन्हें दूर होना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो दिन पे दिन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हर किसी को है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए। साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई देती है वो है कि जो दूसरे प्लांट है जो कि ऑपरेट नहीं कर पा रहे लेकिन अच्छी लोकेशन से में है, जिनको अभी बाय कर भी रहा है अडानी पावर और उनको बाय कर भी सकता है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ना वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब ये रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होंगे कोल से तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कम आएगी, और एग्रीमेंट है लॉन्ग टर्म सेलिंग का, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इनको मिलने लगेंगे। आगे बात करें थ्रेट की, देखिए थ्रेट ऐसी चीजें होती है जो बाहर की चीजें इन पे हावी होगी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है वो थ्रेट भी बन सकता है। कैसे? देखिए 53% इनका जो रेवेन्यू है वो कोल से, डिपेंडेंसी कोल पे, उसे शिफ्ट करना रिन्यूएबल एनर्जी पे ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है।
अगर उस शिफ्टिंग में देरी होती है तो कोई दूसरा प्लेयर आके इनसे पहले वो काम कर देगा और कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा आगे बढ़ने की। तो एक इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और कोल तो इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है ही। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बातें करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस की बातें करेंगे। ये मेरे फेवरेट एनालिसिस में शुरू होने वाली चीज़ है। देखिए ये एनालिसिस हो सकता है शायद ही कहीं पर अभी तक अवेलेबल हो, या हो भी सकता है अवेलेबल हो, बट जहाँ तक मैंने देखा है ये कहीं पर अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। आगे हो सकता है अवेलेबल होना चालू हो जाए। देखिए हम सबसे पहला एनालिसिस करेंगे आज। सबसे पहले एनालिसिस जो हम करते हैं वो करते हैं सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस का। अब इसमें हम क्या एनालाइज करने वाले हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि एक कंपनी की सेल्स बढ़ रही है ना, तो एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि एक कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा रही है, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। हमने यहाँ कुछ क्वार्टर्स का डेटा लिया है, इस डेटा की अंडरस्टैंडिंग से हम समझना चाहेंगे कि सेल्स और एक्सपेंसेस में क्या रिलेशन है और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है मेरे मार्केट पर। अगर मैं मार्च 20 से अगर आप देखेंगे यहाँ पर परसेंट ऑफ सेल्स हमने निकाला है कि एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज है सेल्स के। अगर आप देखोगे मार्च 20 में 97% एक्सपेंसेस थे, मतलब 3% ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट था ओनली, 0.3%। राइट, आगे बढ़ते जाए आगे बढ़ते जाए, अगर आप चीजें देखोगे कहीं ना कहीं सितंबर 20 में इनका जो परसेंटेज था एक्सपेंसेस का वो बहुत कम था, यानी कि सेल्स बढ़ी पर एक्सपेंसेस नहीं बढ़े उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपेंसेस कम बढ़ेंगे सेल्स ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यही एक फायदा होता है कंपनी के लिए, कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा रही है। देखिए एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक नॉर्मल बात है वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ने चाहिए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाना चाहिए जहां पर आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। किसका, स्केलिंग का, मतलब लार्ज प्रोडक्शन, ज्यादा सेल्स, ज्यादा प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए। उसकी वजह से आपकी यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसकी वजह से आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट कम होनी चाहिए। वही इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिला। कब देखने को मिला, पहला सितंबर 20 में देखने को मिला, लेकिन दिसंबर 20 में दोबारा सेल्स तो बढ़ी लेकिन एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ गए। आगे बढ़े, दोबारा बढ़े, दोबारा बढ़े, तो जून 21 में दोबारा ये देखने को मिला कि सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस कम बढ़े। आगे जब हम मार्च 22 में आए तो मार्च 22 में क्लियरली देखने को मिला कि 51% ही एक्सपेंसेस रह गए सेल्स के, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सेल्स के ओनली 50% है। तो बाकी 50% जो बचा वो क्या हुआ भैया, ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट हुआ। उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा हमारे जैसे लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हुई। जून 22 में दोबारा वही सिनेरियो हुआ कि 58%, हालांकि ये बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ गए, परसेंटेज एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल बात नहीं थी। जब दोबारा आगे बढ़े सितंबर 22 में आप देखोगे तो दोबारा एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, 87% एक्सपेंसेस हो गए किसके, सेल्स के। मतलब अगर सेल 100 रुपये की करी तो 80 रुपये का तो 87 रुपये का तो खर्चे हो गए, 87 रुपीज का तो खर्चे हो गए डायरेक्ट, जो कि एक नॉन फेवरेबल बात रही, जो कि एक फेवरेबल बात नहीं रही मार्केट के लिए। आगे बढ़े अगर तो देखिए वही ट्रेंड कंटिन्यू किया सितंबर, दिसंबर और मार्च में, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड रहा। इसको हम कोरिलेट करेंगे बाद में चार्ट के साथ में भी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं सेकंड एनालिसिस की तरफ। सेकंड एनालिसिस जो कि एनालिसिस है हमारा सेल्स वर्सेस ईबीआईटी वर्सेस ईबीटी, मतलब इसमें हम सीधा सीधा एनालाइज करते हैं कि सेल्स से ईबीआईटी और पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ा। देखिए सेल्स बढ़े और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना बढ़े तो फिर क्या फायदा, मतलब अगर कोई आदमी कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है लेकिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट होने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे किस काम का हो। इसी को समझने के लिए हम सेल्स और ईबीटी का एक सिंपल सा रिलेशनल डेटाबेस का एनालिसिस करते हैं। उसकी सिंपल सी बातें अगर मैं समझाना चाहूँ, कुछ ईयर्स का हमने डेटा लिया, अगर आप ईयर्स वाइज डेटा देखोगे 2012 में जो पीबीटी टू सेल्स था वो 0 था, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था इन्हें। 2013 में नेगेटिव था, अगर आप देखते जाओगे ट्रेंड था 2020 तक नेगेटिव था, मतलब 2020 तक ये कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, लॉस में थे, नेट लॉस में थे लोग। आगे जब बात करें तो 2021 22 23 अगर आप कंटिन्यूस ट्रेंड देखोगे तो प्रॉफिट बढ़ा है। हाँ हालांकि जो प्रॉफिट के बढ़ने की रेट है वो 2022 में 2023 में कम हुई है 2022 के कंपेरिजन में,
लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है अभी भी इसका, अडानी पावर का। जब आगे बढ़ते हैं दोबारा, नया एनालिसिस करते हैं, नए एनालिसिस को समझते हैं, शेयर होल्डिंग का एनालिसिस समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जितनी अच्छी शेयर होल्डिंग होगी ना प्रमोटर्स की, उतना अच्छी बात है। मतलब प्रमोटर कौन होता है, वो बंदा जिसने कंपनी चलाई है, जो कंपनी को लेकर के आया मार्केट में, अगर वो होल्डिंग अच्छी रख रहा है तो अच्छी बात है ना, अभी आगे बढ़ेगा ना काम, वो अपना माल कम नहीं कर रहा है इसका मतलब। फिर आते हैं FII DII। FII कौन है भैया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग हाउसेस होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं हम जैसे लोग पब्लिक। तो अगर आप देखोगे एक ट्रेंड, जून 20 से हमने एक क्वार्टर्स का डेटा लिया है, अगर आप देखोगे ना, नीचे जाने का एक कारण यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि अडानी फिलहाल नीचे क्यों जा रहा है। अगर आप मार्च 22 से एक चीज देखोगे, देखना मार्च 22 से क्या हो रहा है, DII अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, और DII के बदले पहले तो जब मार्च में कम हुई तो किसने खरीदा, जून में, जून में दिखा कि FII ने खरीदा है, जो माल इन्होंने बेचा वो, और रिटेलर ने भी खरीदा। लेकिन जब हम बात करें जून के बाद की, तो जून के बाद जब DII ने अपना पूरा माल खत्म कर दिया, मतलब 5 से बिल्कुल 0 पे आ गए, तो ये 0 वाला शिफ्ट कहाँ हुआ, पूरा का पूरा पब्लिक का, रिटेलर ने खरीदा। अब जब रिटेलर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है और FII DII अपनी होल्डिंग कम करते, तो एक इफेक्ट हमें सिनेरियो मार्केट पे देखने को सीधा सीधा मिलता है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे, उनमें दम है, अगर वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इसको प्रॉफिटेबल नहीं देख रहे अभी, इसलिए वो बेच के निकल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेसिक EPS वगैरह की बातें करते हैं, कुछ लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है और बहुत अच्छा बढ़ा है। देखिए जो ट्रेंड नेगेटिव में था आज से 5 साल पहले, जो नेगेटिव अर्निंग्स थी, वो आज पॉजिटिव हो गई है, और 4 गुना, कुछ मतलब 4 तो नहीं, बहुत ज़्यादा गुना है। अगर आप देखेंगे 24 रुपीज़ का EPS है, जो 20 रुपये का हमारा शेयर, 200 रुपये का शेयर आज ट्रेंड कर रहा है, उस पर शेयर पे अर्निंग हो रही है 24 रुपये, तो एक अच्छी बात है। 10% का EPS होना एज ऑफ नाउ इज ए वेरी गुड थिंग। बुक वैल्यू की बात करते, कि बुक वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए आज मुझे कंपनी बेचनी पड़ जाए, और बेचनी पड़ जाए, कुछ भी नहीं बेचूं, मैं गुडविल हटा दूं, तो कंपनी की जितनी भी असेट्स है वो बेचने के बाद और लाइबिलिटी सेटल करने के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, वो बुक वैल्यू होती है, वो है 77 रुपीज़ की, जो कि बहुत अच्छी बुक वैल्यू कही जा सकती है 200 रुपीज़ के शेयर पर। बात कर रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर की, वो 100 रुपीज़ है। नेटवर्थ, इसमें कहीं ना कहीं कंसर्न पॉइंट जो है वो है डेट इक्विटी। देखिए डेट इक्विटी क्या होता है, जहाँ पर डेट ज़्यादा होता है इक्विटी कम होती है, या फिर डेट वर्सेस इक्विटी का हम एक एनालिसिस देखते हैं। देखिए इसमें सिंपल सी बात, हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपये के असेट है, तो उसके सामने हमारे पास डेट कितने के खड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.41 डेट इक्विटी रेशियो है, जो कि आई थिंक ये रेंज कर रहा है 1.41 से 2 के बीच में, जो कि एक बैड है। कहीं ना कहीं देखिए इनका जो डेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर फिक्स असेट्स, यानी कि आज अगर हमें असेट्स बेचनी पड़ जाए तो हम सारा डेट नहीं चुका पाएंगे, जो कि कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है मार्केट के लिए। डेट इक्विटी जिनका कम होता है ना, मान लीजिए 1 से कम है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है 1 से कम होना, 1 से ज़्यादा होने पर एक कंसर्न कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है। आगे बात करें शेयर होल्डिंग और रेशो एनालिसिस की, रेशोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत अच्छा है, 50% का नॉर्मल जो रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है वो 20 to 25% में रेंज करता है, और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत सॉलिड लग रहा है फिलहाल के लिए। पी रेशो, पी क्या होता है, एक शेयर को बाय करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है उसके लिए, वो पी रेशो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए, अगर कंपनी को 1 रुपया कमाना है तो आपको उसके कितने रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि ठीक है, एक बेसिक अच्छा है, 10 रुपये तक एक अच्छा माना जाता है पी, ज़्यादा बुरी बात नहीं है। पी बी रेशो की बात करें, इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 17 रुपीज़ का है, जो कि बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं हमारा पी बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी एक कंसर्निंग पॉइंट है, वो हमने देख ही लिया है। आगे बात करेंगे इसके पी रेशो वगैरह के एनालिसिस हमने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो श्योरली आप पढ़ सकते हैं, वही सारी बातें जो हमने अभी की है, करंट रेशो पे बात की है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे, डेट टू इक्विटी पे, साथ ही साथ हमने बात की इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो पे, सेल्स ग्रोथ रेशो पे, ऑपरेटिंग मार्जिन पे, डिविडेंड यील्ड पे, और इसी तरह हमारा ये एनालिसिस खत्म हो जाता है। लेकिन अभी कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है, इसका रिलेशन जो हम आपको बताने वाले हैं मार्केट,
आइए देखते हैं अडानी पावर में कब कब क्या क्या चेंजेस आए हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। चलिए देखिएगा, हाँ चूकिएगा मत, जो हमने बात की थी, क्या बात की थी हमने, सिंपल सी यहाँ पर, कि अडानी पावर की पहली जो सेल्स की, जो पहला यहाँ पर मूव आया था बढ़िया, जहाँ पर सेल्स बढ़ी थी पर एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़े थे, एक्सपेंसेस कम बढ़े थे 48%, ये वाला वो था सितंबर 20 में। तो आइए सितंबर 20 में देखते हैं अडानी जी के क्या हाल थे। अडानी पावर सितंबर 20 में हमें एक बहुत अच्छा गुड रिजल्ट दे रहा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिएगा सितंबर 20, ये सितंबर में। इसके बाद देखिए सितंबर 20 से एक बढ़त हमें देखने को मिली कहीं ना कहीं, सितंबर 20 के लोस को नहीं थोड़ा, वो एक अलग बात हो जाती है, वो खुद में एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है जब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तो दोबारा गिर गया था दिसंबर में, बात करें मार्च की, देखिएगा मार्च में क्या हुआ था, दोबारा वही चीज हुई थी, 51% पे आ गया था, ठीक है सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आइए देखते हैं मार्च में कौन सा मार्च है, मार्च 22, मार्च 2022, जनवरी फरवरी मार्च। देखिए मार्च में कितनी अच्छी ग्रोथ मिली है शेयर, ये शेयर की ग्रोथ कहाँ से आई है, फंडामेंटल एनालिसिस से आई है, बहुत कहीं ना कहीं वो भी इसे हेल्प कर रहा है। आगे बढ़े देखिए मार्च अप्रैल मई तीनों क्वार्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, रिजल्ट्स आए थे ना जून के, रिजल्ट सब पब्लिश होने वाले रहेंगे आगे पीछे थोड़े टाइम में, जून के रिजल्ट्स के बाद में भी दोबारा एक ग्रोथ देखिए आप, बहुत अच्छी ग्रोथ है, 200 रुपये से 400 रुपये, यहाँ पर देखिए 111 से 200 रुपये, कहीं ना कहीं 2 फोल्ड में उन्होंने ग्रोथ की है। लेकिन फिर यहाँ क्या हुआ सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर में देखिए आप सितंबर के रिजल्ट देखिए, 78% दोबारा, 78% एक्सपेंसेस हो गए दोबारा, सॉरी माय बैड, 87% एक्सपेंसेस हो गए दोबारा सेल्स के, और मार्केट ने यहाँ पर अपना रिएक्शन दिखाया सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों मंथ। दिसंबर में देखिए, दिसंबर में भी दोबारा वही हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था, मतलब सेल्स के साथ में एक्सपेंसेस पैरेलली बढ़ रहे थे, पैरेलली नहीं बढ़ रहे होते तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जंप लेने की कोशिश करता। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, कंसिस्टेंसी आई है थोड़ी सी 2 क्वार्टर्स में, दिसंबर और मार्च में क्या कंसिस्टेंसी आई है, सेल्स दोबारा बढ़ने लगी है, जो पहले 13,000 थी या 10,000, 13,000, ये 7-7,000 हो गई थी जो कि कम हुई थी, मार्केट को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, अब दोबारा जब सेल्स बढ़ी है और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में कमी आई है, तब मार्केट ने दोबारा एक अपना रिएक्शन दिखाया है ऊपर जाने की तरफ। देखिए ये कहीं ना कहीं एक एनालिसिस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समझ में आता है जब आप देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को चार्ट के साथ में। अब क्या होगा आगे देखिए, फंडामेंटल्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, 76 रुपीज उसकी बुक वैल्यू है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, अकेला प्राइवेट प्लेयर है, कहीं ना कहीं एक बात जो खल रही है वो ये खल रही है लोगों को कि प्लेज जो हो रहा है ना, इसके जो शेयर होल्डर्स है ना, जो प्रमोटर्स है, वो अपने इक्विटीज को प्लेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन रहा है मार्केट के लिए, वो एक डरावना फैक्टर बन रहा है, बट उसका इफेक्ट भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो देखिए आप जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं ना, इतनी स्ट्रांग कंपनी है, 15% उसकी शेयर होल्ड करती है, इसको गिरने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ये एकदम नहीं गिर सकती, एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई बात ऐसी आ जाए जिस वजह से पूरा पूरा वैनिश हो जाए ग्रुप, नहीं हो सकता, वो टाइम चाहिए उसके लिए। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली बहुत कम दिनों में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है आफ्टर रिजल्ट्स, मार्च के रिजल्ट्स के बाद में, कहीं ना कहीं सब बातों का इम्पैक्ट तो आने ही आने वाला है, और इम्पैक्ट की वजह से क्या होने वाला है, मेरा व्यू आज भी अडानी पावर को लेकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें दोबारा। लेवल्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 269 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है अभी मार्केट के लिए और अडानी पावर के लिए, कहीं ना कहीं अडानी पावर को दोबारा कोशिश करनी होगी, मेरे हिसाब से अभी जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो बनती है कि अडानी पावर दोबारा एक रिट्रेसमेंट लेगा नीचे की तरफ और फिर ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशंस पे, या फिर हो सकता है जैसे ही जगह का ब्रेकआउट देगा ये 250 और 270 के लेवल्स का, मेरे अकॉर्डिंग इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर, इफ यू लाइक द कंटेंट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड लाइक शेयर कमेंट।
थैंक यू एंड फॉलो अस होम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।